बार है। दिल्ली में पश्चिम बंगाल और असम समेत 5 विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी की केंद्रीय समिति की बैठक करीब 4.5 घंटे तक चली, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, असम और पश्चिम बंगाल के कई बड़े नेता शामिल हुए। बीजेपी मुख्यालय में हुई इस बैठक में असम और पश्चिम बंगाल की सीटों के उम्मीदवारों पर चर्चा हुई। न्यूज 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट के मुताबिक इस बैठक में असम विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए गठबंधन पर अंतिम मुहर लगा दी गई है। एनडीए की इस गठबंधन में बीजेपी के अलावा असम गण परिषद यानी एजेपी और यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल यानी यूपीपीएल शामिल है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए करीब 80 सीटों के उम्मीदवारों के नाम भी फाइनल कर लिए गए हैं। आपको बता दें, बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की अगली बैठक अब 9 मार्च को हो सकती है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कौन किस सीट से लड़ेगा, इसे लेकर बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति का मंथन जारी है। लेकिन इस सब के बीच केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता बाबुल सुप्रियो ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ भवानीपुर से खड़े होने की इच्छा जाहिर की है। न्यूज 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट के मुताबिक बाबुल ने कहा कि अगर इस बार भी ममता बनर्जी भवानीपुर से चुनाव में खड़ी होती है तो वो उनके खिलाफ उतरना चाहेंगे। इससे पहले ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं, जहां से उनके खिलाफ बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी को उतारने की तैयारी कर ली गई है। और खबर ये भी है कि उनके नाम पर सहमति भी बन गई है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष के विधानसभा चुनाव लड़ने पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो, उनसे हम बात करते हैं। सर, बंगाल को लेकर के मंथन हुआ, कब तक टिकट की घोषणा हो जाएगी? वो आप जब होगा, पार्टी जब डिसाइड करेगी उस वक्त अनाउंसमेंट हो जाएगी। उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। ये डायनेस्टी पार्टी नहीं है, एक लोकतांत्रिक पार्टी है। बहुत ही अच्छे से डिस्कशन होते हैं, जो योग्य व्यक्ति है उसी को टिकट मिलती है, आपको मालूम है। और वो अनाउंसमेंट जब होगा आपको पता चल जाएगा। 11 तारीख को नंदीग्राम से ममता बनर्जी नॉमिनेशन कर रही हैं, कौन बीजेपी का कैंडिडेट होगा ये वो आप जब अनाउंसमेंट होगा आपको पता चलेगा। शुभेंदु अधिकारी वहीं के हैं, उन्होंने पहले भी कह दिया कि अगर उनको टिकट मिली तो वो 50,000 से जीतेंगे, अगर उनकी जगह में किसी और को टिकट मिली उसी को भी 50,000 से जितवाएंगे। तो मैं इसका सराहना करते हैं। सर, मैं भवानीपुर से भी बात हो रही है, सर क्या आप चुनाव लड़? बहुत सीरियस इलेक्शन है, इसमें आप स्पेकुलेशन की बात ना करें। हाउ मेनी सीट्स यू हैव डिस्कस्ड एंड व्हेन वी आर एक्सपेक्टिंग टू द डिटेल्स ऑफ दैट आउट? अभी केवल 2 फेज के लिए 60 सीट के लिए चर्चा हुई है हमारे, और अभी 60 सीट का ऊपर निर्णय होगा और फर्स्ट फेज में उतना ही घोषणा होगा। अच्छा सर, एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि नंदीग्राम से आखिर शुभेंदु अधिकारी लगातार ये कह रहे हैं कि वो ममता बनर्जी को वहाँ से हरा लेंगे 50,000 ज्यादा वोटों से, तो वो वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? न, उसको उससे वो सिटिंग MLA हैं और मंत्री भी थे, उनका सीट है और मुझे लगता है कि वो वहाँ लड़ना चाहेंगे भी। पार्टी निर्णय लेगा और लड़ेंगे तो पार्टी पूरा पीछे खड़ा रहेगा। उस पर भी तो बात हुई होगी क्योंकि बहुत ज्यादा वो भी इससे 2 फेज में वो चुनाव होना है वहाँ पे। हाँ, सबका चर्चा हुआ है, लेकिन उसका फाइनल जो होगा वो केंद्रीय समिति करेगी। तो ममता बनर्जी को ये भी सुनने वाला, आप लोग दोनों सीट से घेरने की कोशिश कर रहे हैं? स्वाभाविक है, हर सीट में और अच्छा कैंडिडेट देगा, हम पूरा ताकत लगाकर लड़ेंगे। और आने वाले आगे वाले दिनों हम किस तरह से आपसे वहाँ पे कैंपेन किस तरह से देखेंगे बीजेपी की तरफ से? जैसे कि लोकसभा के समय हमने कैंपेन किया और जीता, इस बार का चुनाव भी पूरा शक्ति लगा करके सीरियसली हम लड़ेंगे। बंगाल चुनाव के लिए सीट बंटवारे पर फंसा पेच सुलझाने के लिए